इसके बाद जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं सोसाइटी में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है, और जब हमारी लाइफ शुरू होती है नेवी की लाइफ, तो मैं सच में बोलूंगा कि वो लाइफ आपकी एक ऐसी लाइफ है कि जहाँ पे एक नॉर्मल सिविलियंस को या एक स्टूडेंट को मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बनने का मौका मिलता है। लेकिन आज अगर मैं बोलूं एग्जामपुर जैसे प्लेटफॉर्म्स या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो रेडी हैं, जो आपको, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, आज अगर उस गांव के किसी कॉर्नर में बैठा है लड़का, वो यूट्यूब पे एक्सेस करके हमारी सेशंस और हमारे वीडियोस को देख के पढ़ सकता है। वो हमारी इंडियन साइकोलॉजी है, वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ये शब्द पहली बार सुनने में भी टफ लगता है कि अच्छा डिफेंस में लड़कियां भी जाने लगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखो फिजिकली वो भी उतनी स्ट्रांग है जितना एक इंसान स्ट्रांग होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर लड़कियां जा रही डिफेंस में। क्या हो रहा है ना, हमारा पार्टिसिपेशन इक्वलिटी आ रही है, तो चीज़ों में जब इक्वलिटी होगी वुमेन्स भी हमारे साथ बढ़ेंगी, वो भी हमारे साथ फाइट कर रही है, वो भी हमारे साथ चल रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है देश के लिए भी और पर्सनल लेवल। और दूसरा, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं जो गांव में बैठी हुई हैं लड़कियां, जिनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, जो फिजिकली स्ट्रांग है, लाइफ में कुछ करना चाह रही है, लेकिन उनको बड़े बड़े एग्जाम्स के बारे में नहीं पता चलता, तो एटलीस्ट उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो छोटे छोटे लेवल पे जा सकती हैं और अपना टैलेंट, अपना हुनर दिखा सकती हैं। नहीं मिलती राही को मंजिल, इस जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब किसी ने चिड़िया से कैसे बनता है आसियाना, तो बोली पग पग चलकर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद मेरे बच्चों, मेरे भविष्य के फौजियों और इस देश के होनार निर्माताओं। बच्चों, कहीं ना कहीं एग्जामपुर आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी या किसी ऐसे महान व्यक्तित्व से मिलवाता है जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक छोटी सी बात या एक ऐसा छोटा सा शब्द आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। ठीक उसी तरह एक ऐसा व्यक्ति जो सफल हो चुका है और जो सफलता को उस सीढ़ी तक पहुंच चुका है जहां पर उसने अपने आप को सिद्ध किया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो सिद्ध वही होता है जो प्रसिद्ध होते हैं। तो आज उसी कड़ी में एक आप लोगों के बीच के ही, मैं ये कहूंगा आप लोगों के ही बीच के एक ऐसे यंग माइंड और एक ऐसे यंग जनरेशन के वो व्यक्ति जिन्होंने नेवी में सिलेक्शन लिया और नेवी में सिलेक्शन लेने के बाद जॉब की, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, एक छोटे से गाँव आप कहें कि इत्र की नगरी जिसको आप लोग कन्नौज कहते हैं वहां से हैं, तो मैं आज इस एग्जामपुर परिवार में स्वागत करना चाहूंगा विपिन सिंह जी का, जो मैंने जैसा आपको बताया कि एक्स नेवी मैन और एक अब बहुत ही कहते हैं कि सक्सेसफुल एक ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो अपना वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस एग्जामपुर परिवार में। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा आपको सर कि आपने एक मुझे अपॉर्चुनिटी दी, एंड आई विल ट्राई कि मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे एक्स नेवी एक्सपीरियंस से और करंट एक्सपीरियंस से जो हम बेटर दे सकते हैं अपने यूथ को, अपने व्यूअर्स को, तो हम बहुत ही अच्छे से अपने एक्सपीरियंस को बताना चाहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, राइट। और मुझे लगता है कि अनुभव आजकल की दुनिया में हर उस व्यक्ति के पास है जिसने मेहनत की है, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसने उस संघर्ष को करके अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूफ किया है, है ना। तो उसी कड़ी में आप भी हैं, तो नो डाउट आज हमारे बच्चों को बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि हो सकता है कि किसी एक शब्द के द्वारा बहुत लोगों की जिंदगियां बदल जाए। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसा मुझे पता है मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, तो आप एक नेवी में जाने के बाद की लाइफ और नेवी से पहले की लाइफ में, मतलब एक स्टूडेंट लाइफ में और एक नेवी मैन की लाइफ में क्या डिफरेंस होता है? ओके ओके, देखो पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस है गवर्नमेंट जॉब का, आप अगर नेवी में सिलेक्ट होते हो, SSR, AA या डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, आप एयरफोर्स में भी जा रहे हो, आर्मी में भी जा रहे हो, तो क्या होता है कि जो एक स्टूडेंट लाइफ है, 12th के बाद जब हम निकलते हैं तो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हम एज ए सोल्जर एज ए ऑफिसर अप्लाई कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ क्या है, एक भीड़ है कि नहीं मुझे आर्मी में सिलेक्ट होना है, नेवी में सिलेक्ट होना है, तो जो स्टूडेंट की लाइफ है वो सच में बहुत ही हार्ड लाइफ है एंड एक एडवेंचर भी बोल सकते हैं। अगर हम हार्ड को एडवेंचर बोलें, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत मेहनत करनी होती है, 4 बजे उठ के रनिंग करना है, फिजिकल भी पास करना है, एग्जाम भी पास करना है, दिन जाके सिलेक्ट होते हैं। इसके बाद जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं सोसाइटी में, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है, और जब हमारी लाइफ शुरू होती है नेवी की लाइफ, तो मैं सच में बोलूंगा कि वो लाइफ आपकी एक ऐसी लाइफ है कि जहां पे
एक नॉर्मल सिविलियंस को या एक स्टूडेंट को मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने का मौका मिलता है, जो उनकी एक साल की ट्रेनिंग होती है, डेढ़ साल की ट्रेनिंग होती है, दो साल की ट्रेनिंग होती है, वहां पे स्टूडेंट को जो जाता है उसकी जो कोर डिवाइड होती है, लाइक वो इंजीनियर बनेगा, मैकेनिकल बनेगा, या वो सोल्जर बनेगा, किस फील्ड में जा रहा, उसकी जो ट्रेनिंग शुरू होती है वो रियली मैं आपको बोलूंगा सद्यो सर कि वो लड़का फिजिकली एंड मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनता है कि वो सोसाइटी में आके कुछ भी अचीव कर सकता है। और स्पेशली आपको पता होगा कि वो सोल्जर है तो देश के लिए करता है, अगर नेवी मैन की बात करूं तो कैसे अपनी फैमिली से, स्पेशली लैंड से, कि हम धरती से ही दूर रहते हैं, पानी में रहते हैं 6 महीने 7 महीने 1 साल। दूसरा कि अगर आर्मी की बात करूं, एयरफोर्स की बात करूं, तो वो लोग कितना दूर रहते हैं फैमिली से हर जगह, तो सच में ट्रेनिंग उनको फिजिकली एंड मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि कहते हैं ना कि विद्यार्थी जीवन में एक अगर आपको फौजी बनना है right. तो आपको सुबह दौड़ना पड़ेगा और रात को पढ़ना पड़ेगा right. है ना बिल्कुल. तो जब बात आती है विद्यार्थी की तो कहीं ना कहीं शिक्षक की भी बात आएगी, तो शिक्षक का आपके अनुसार शिक्षक का हमारे जीवन में क्या रोल रहता है, जिससे कहते हैं ना कि एक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की जो कड़ी होती है, जो बॉन्डिंग होती है, माँ बाप के बाद कहते हैं कि जीवन में जो ज्ञान देता है, असली नॉलेज देता है, तो वो अध्यापक देता है। बिल्कुल, तो अध्यापक का आपके जीवन में क्या रोल रहा? देखो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि अध्यापक, टीचर, गुरु, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ ये माना जाता है, इनका एक अहम रोल होता है लाइफ में। दूसरा, अगर मैं शिक्षक, टीचर, गुरु की बात करूँ, मैं प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि देखो स्टूडेंट की लाइफ में क्या है, हमें लगता है जो स्कूल में मुझे पढ़ा रहा भाई पेरेंट, भाई हमारा गुरु है, भाई हमारा टीचर, नहीं, हमारी लाइफ जो शुरू होती है 12th के बाद, या जो शुरू स्कूल में है, कहीं पे भी है, तो जो भी हमें ज्ञान दे रहा है, एग्जैक्टली हमारा फोकस होना चाहिए अपने स्टूडेंट लाइफ में, हमें जहां से ज्ञान मिल रहा है हमें अचीव कर लेना चाहिए। अभी के टाइम पे तो YouTube, Facebook, Instagram सब गुरु बन गए, क्योंकि हर जगह एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है। अगर मैं एग्जामपुर की बात करूं तो इनके अपने चैनल्स हैं, हर जगह ज्ञान मिल रहा है, ये भी हमारे गुरु हैं। लेकिन जब हम फिजिकली जाते हैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, जो टीचर्स हैं वो बहुत अहम रोल रखते हैं। बट मैं इस वीडियो के माध्यम टीचर्स को भी छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा, आई नीड, जैसे कि कोई एप्लीकेशन मोबाइल में डाल लेते हैं, वो अगर अपडेट ना करें तो उसका यूज मजा नहीं आता है, तो सेम टीचर्स को टाइमली अपडेट होते रहना चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट को क्या कंटेंट दें। अगर हमारा कोई टीचर है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने 15 साल पहले कोई बुक्स पढ़ी थी, कोई थ्योरी पढ़ी थी, कुछ पढ़ा था, लेकिन आप सेम आज अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वो हमारे स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सो आई वांट कि गुरु, टीचर, इनका लाइफ में बहुत अहम रोल है हमें कुछ बनाने में। लेकिन बस मैं वही कहना चाहूंगी, अपडेशन लाइफ में जरूरी है, हम मोबाइल की हर चीज टाइमली अपडेट करते हैं, तो लाइफ में हर चीज अपडेट करते रहिए बस। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं स्पेशली हम लोगों की, तो जो मेरा 8-9 साल का अनुभव है कि हम लोग ये चीजें कहते हैं ना कि मेरे अकॉर्डिंग जो अध्यापक है उसको खुद पढ़ना पड़ता है। राइट, अगर कोई, मैं अगर ये सोचूं कि मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं और मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम अपडेट होना जरूरी है। शायद हम कह सकते हैं ऐसे बहुत से ब्रांड हैं जो खत्म हो गए, जिनका एक बहुत समय पे बहुत वैल्यू था, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर अपडेट नहीं किया, इनोवेशन नहीं किया। तो ये बहुत जरूरी है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। अच्छा सर, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने नेवी में जॉब की, तो एक नेवी मैन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है फैमिली को भी देखना, राइट, है ना? तो आप घर से दूर होते हैं, तो फैमिली को आप उस समय पे कैसे समय दे पाते हैं? क्या नेवी में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी या ऐसा कोई टाइम आता है कि आपको लगे कि नहीं, नेवी में रह के भी आप अपनी फैमिली की बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं? राइट राइट, देखो इस चीज पे मैं आपको बोलना चाहूंगा सर कि आज के टाइम पे हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है सब बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर जगह बहुत अच्छे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। हाँ, इनिशियली जब आप नेवी में सिलेक्ट होते हो उस पीरियड में, 1-1.5 साल का वो पीरियड होता है जब आप ट्रेनिंग में रहते हो, आपकी फैमिली वगैरह आपसे डेली बेसिस पे नहीं मिल सकती, बट हर जगह सिंपल से रूल है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ भी आपकी फैमिली जा सकती है, ट्रेनिंग सेंटर पे जाके आपसे मिल सकती है, छोटा सा फैमिली मीटअप्स होते रहते हैं वो कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपकी जॉब शुरू होती है डिफेंस में कहीं पे भी, तो वहाँ पे फैमिली के लिए आज 100% सब फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, सब बढ़िया किया हुआ है, मतलब एक ऐसी चीजें हैं कि आपको 100% हर जगह सिक्योरिटी, सेफ्टी, मेडिसिन, हर जगह हर तरीके से सपोर्ट करती है डिफेंस। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि डिफेंस में केवल आपका ही फ्यूचर है, आपकी फैमिली का बहुत बड़ा फ्यूचर है। और एक कहते हैं ना कि एक जो जवान होता है, मुझे लगता है वो फौजी होता है, 60 साल का भी हो तब भी वो जवान कहलाता है। बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर आपको कि इसका एक रीजन है। इसका क्या रीजन है कि जैसे क्या होता है, हम जवान है, हम बूढ़े हो गए, हमारी एज ग्रुप क्या, ये हमारी बॉडी स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, ये माइंड की एनर्जी
और वो ट्रेनिंग डिसाइड करती है। तो फौजी इतना ट्रेंड होता है कि वो कभी बूढ़ा फील ही नहीं कर सकता है, वो अपनी लाइफ में एनर्जी में ही रहता है। तो वो चीज इंसान को भी सीखनी चाहिए और मैं बोलूंगा सिविलियंस को भी सीखनी चाहिए कि हाँ लाइफ में एनर्जी है तभी मजा आया। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और सर, जैसे आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक छोटे से गांव से हूं, तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश सीखना। और नेवी एयरफोर्स और आर्मी की अगर हम बात करें, आर्मी क्लर्क में भी इंग्लिश आती है, अच्छा खासा लेवल आता है, तो उस डर को आपने कैसे दूर किया, मतलब किस तरह से आपने अपनी तैयारी की, और हमारे बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं एक चीज तो यहाँ बोलूंगा कि आज के टाइम पे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स सब, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का हर जगह होना और उसके एग्जाम्स होना सब कुछ जरूरी है, रिक्वायर्ड है सबके लिए। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि अगर आज के 10 साल पीछे जाए हम, तब टफ था कि कैसे इंग्लिश को बेटर करें, क्योंकि हमें फिजिकली कोई टीचर मास्टर गुरुजी मिलेगा उसके इधर हो सकता था। लेकिन आज अगर मैं बोलूं एग्जामपुर जैसे प्लेटफॉर्म्स या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो रेडी हैं, जो आपको, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूं, आज अगर उस गांव के किसी कॉर्नर में बैठा है लड़का, वो यूट्यूब पे एक्सेस करके हमारे सेशंस और हमारे वीडियोज को देख के पढ़ सकता है। इंग्लिश उतारने का सिंपल सा तरीका है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में कि वो पढ़ नहीं पाते, प्रनाउंस नहीं कर पाते और माइंड में वोकैब का डेटा कम होता है। तो जितना ज्यादा डेटा फिल कर लोगे वहीं से चीजें आएंगी, वहीं से आप सब कर ले जाओ, जो आपके सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, फ्रेजल वर्ब्स हो, आप सारे एग्जाम्स फाइट कर जाओगे। वेरी सिंपल सी ट्रिक, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बस। बिल्कुल पढ़ना है। और मैं ये जरूर ना चाहूंगा कि वही कंटेंट पढ़ना, कहते हैं ना एग्जाम ओरिएंटेड, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड, वो एग्जाम वेरी सिंपल है। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे क्या है मेरा एक कॉन्सेप्ट कि जो चीज एग्जैक्टली कर रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल बताऊं कि मुझे नहीं पता था भाई चीजें ऐसी होती हैं। जब मैं आज यहाँ विजिट किया स्टूडियो, मैं देख रहा हूँ कि एक जो आर्मी है बाहर दिख रही है, बट यहाँ पे जो ब्लैक शर्ट में ये आर्मी घूम रही है, ये रियली वेरी वंडरफुल, देख के समझ में आ गया मुझे। नहीं बिल्कुल, हम लोगों का यही रहता है कि कहते हैं ना कि अध्यापक वो सड़क है जिस पर चलकर सभी आगे निकल जाते हैं, हम वहीं के वहीं रहते हैं। तुम्हारा जीवन ही कुछ ऐसा होता है। और एक ये बहुत कहते हैं ना, थैंक यू सो मच, आपने इतना सब कुछ बोला। अच्छा सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आज की डेट में मोबाइल फोन्स हैं, इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पे आपको अच्छी चीजें भी मिलती हैं ऐसी जो हमें डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं, है ना, तो उस समय पे डिस्ट्रैक्शन के कौन कौन से कारण होते थे? जैसा मैं अगर बात करूं तो कोई ज्यादा स्मार्ट दिखता है, कोई हैंडसम दिखता है आपकी तरह, तो लोग जरूर अप्रोच करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, तो उस समय पे डिस्ट्रैक्शंस क्या थे आपकी लाइफ? हाँ देखो, ये चीज आपने बहुत अच्छी पूछी कि हर स्टूडेंट की लाइफ में और डिस्ट्रैक्शंस आता है। इस पे देखो मैं एक सिंपल सी चीज बताऊंगा पहले, जो मैं भी फॉलो करता हूँ। अब मैं बोलूंगा कि लाइफ में 360 फॉर्मूला अप्लाई करो। अब आप सिंपल सा बोलोगे 360 फॉर्मूला होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ वेरी सिंपल कि 12th के बाद के 3 साल या 60 साल आप डिसाइड करना कि देखो अगर 12th के बाद के 3 साल आपने मेहनत की तो 60 साल आप मजे करोगे, और 3 साल आपने मजे किए तो 60 साल मेहनत करोगे। दो मेहनत तो हमें करना है, तो वेरी सिंपल, आप सारे लोग स्मार्ट हो, आप 3 साल ही चूज करना पसंद करोगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो मेरी लाइफ है, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, छोटे से गाँव से निकला, मेरे पेरेंट्स ने 2013 जब मैं 12th पढ़ रहा था, मैं कानपुर में एक हॉस्टल लाइफ में रहता था जहाँ की फीस 1-1.5 लाख रुपए थी 1 साल की, वहाँ पे मेरी फैमिली मेहनत कर रही थी। मुझे एक ग्राउंड लेवल पे पता था कि मेरे पापा जो एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एक फार्मर हैं, वो कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो लाइफ में इच्छाएं बहुत होती थी बट हिम्मत कभी नहीं पड़ी कुछ करने की, बिकॉज एक फैमिली प्रेशर था कि इतना मेरे पापा ने मेरे लिए किया, फैमिली ने किया, तो मुझे उनके लिए कुछ करना है। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएगी, मॉल में चलें, शॉपिंग करें, मूवी देखें, बट लाइफ में कभी डिसीजन नहीं लेके उस स्टेप पे गए ही नहीं। पहले फ्यूचर ओरिएंटेड थे, पहले अपना गोल अचीव करें, अपना ड्रीम अचीव करें, फिर जाके वो सब करेंगे। हाँ 12th के बाद निकला, 2015 में सिलेक्शन हो गया, अच्छी लाइफ थी, दुनिया घूम रहे थे, लोग मूवी अपने इंडिया में देखना चाहते, मैं थाईलैंड में देख रहा था, मजे थे लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात कही। देखिए डिस्ट्रैक्शन, मुझे लगता है सर डिस्ट्रैक्शन आ ही नहीं सकता जब आप अपने गोल को ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, गोल ओरिएंटेड और हाँ, और आप अपने गोल के लिए पागलपन, कहते हैं ना कि जिंदगी में पागलपन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और अगर आप किसी चीज के लिए पागल है ना और किसी चीज को शिद्दत से चाह रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो चीज आपको जरूर मिलती है। क्योंकि मैंने बहुत अच्छा एक थॉट सुना है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पीता है उतना ज्यादा दहाड़ता है। तो शिक्षा के अलावा एजुकेशन ही आज की दुनिया में शस्त्र और शास्त्र दोनों बन गए। बिल्कुल, हमें उस चीज को समझना होगा। अच्छा सर मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आपने जब तैयारी की, तो मुझे लगता है उस टाइम पे, मुझे भी याद है, मैं भी जब तैयारी कर रहा था
तो मैंने भी एग्जाम्स दिए, नेवी का मैंने SSR का एग्जाम क्वालिफाई किया, एयरफोर्स का किया। तब ऑफलाइन थी सारी चीजें, हाँ हम घर से दूर जाते थे, और आज की डेट में आप देखें तो घर पे बैठ के ही आप तैयारी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों के लिए मुझे लगता है ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज बिल्कुल है ना, कि आप घर बिल्कुल से दूर नहीं है, आप घर पे रहिए, पढ़ाई करिए। नहीं, तो आपने जो ये चीज बोली है देखो इतनी पॉजिटिव है कि आपको क्या होता था, पहले कोई मॉक टेस्ट देना है, कुछ एग्जाम देना है, तो शहर से 15-20 किलोमीटर दूर जाके कहीं पे बैठ के कुछ करना होता था, इंटरनेट नहीं था। आज इतनी सब फैसिलिटी है, आप घर पे बैठ के दिन में 10 पेपर एग्जाम सॉल्व करो, 20 पेपर सॉल्व करो। आप मान लो SSR की तैयारी कर रहे हो, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, आप पिछले 15 साल के पेपर उठा के सारे सॉल्व कर दो, उनके पास भी वही पड़ा है, आपके पास भी वही पड़ा, 15 साल के एग्जाम सेट आपने सॉल्व किए, 30% भी फंस गया तो आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे, बिल्कुल वेरी सिंपल प्रोसेस। बिल्कुल तो आज के टाइम पे चीजें बहुत इजी हो गई, और इंटरनेट सच में मतलब कमाल कर दिया आज के कमाल टाइम कर पे। दिया, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे अब तो नेवी एयरफोर्स में गर्ल्स भी जाने लगी हैं, हाँ गर्ल्स के लिए आपको क्या लगता है, ये पॉजिटिव है? या जैसे आप SSR की अगर बात करें, तो जॉब में क्या गर्ल्स के लिए वहां पर डिफिकल्ट होगा या सेम रहेगा? देखो, इसमें मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बोलूंगा कि गर्ल्स को लेके जो हमारी इंडियन साइकोलॉजी है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ये शब्द पहली बार सुनने में भी टफ लगता है कि अच्छा डिफेंस में लड़कियां भी जाने लगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, देखो फिजिकली वो भी उतनी स्ट्रांग है जितना एक इंसान स्ट्रांग होता है, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर लड़कियां जा रही हैं डिफेंस में, क्या हो रहा है ना, हमारा पार्टिसिपेशन इक्वलिटी आ रही है, तो चीजों में जब इक्वलिटी होगी वुमेन्स भी हमारे साथ बढ़ेंगी, वो भी हमारे साथ फाइट कर रही है, वो भी हमारे साथ चल रही है, तो ये बहुत अच्छी चीजें देश के लिए भी और पर्सनल लेवल। और दूसरा, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो गांव में बैठी हुई हैं लड़कियां, जिनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, जो फिजिकली स्ट्रांग है, लाइफ में कुछ करना चाह रही है, लेकिन उनको बड़े बड़े एग्जाम्स के बारे में नहीं पता चलता, तो एटलीस्ट उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो छोटे छोटे लेवल पे जा सकती है और अपना टैलेंट, अपना हुनर दिखा सकती है, तो बहुत अच्छी चीज बिल्कुल है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि वर्दी पहनने का हक सभी बिल्कुल को बिल्कुल है ना। अच्छा सर, अग्निवीर की अगर बात करें, तो अग्निवीर जैसा कि हम लोगों को पता है कि 4 साल की जॉब है, तो आप अग्निवीर को किस तरह देखते हैं? मतलब क्या ये बच्चों के लिए एक पॉजिटिव है, या कई लोगों ने, मतलब कई ऐसा भी हुआ कि लोगों ने कहा कि नहीं, 4 साल की जॉब है, 4 साल की नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम लोगों को पता है कि लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन पे भी जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट सर्विस है ना, कमीशन होता है। और 15 साल की जॉब करके भी हाँ करने के बाद, तो 4 साल, क्या आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखो, इसमें मैं आपको सदैव सर बताना चाहूंगा कि देखो मैं एक फौजी हूँ। अब मैं अगर थोड़ा सा अपनी लाइफ पे कुछ पॉइंट डालूँ कि कैसे मैं 12th करके निकला, मैं एक हॉस्टल लाइफ में रहा, तो वहां पे मैं इंडिपेंडेंट था, मैं खुद फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हो चुका था। दूसरा, मेरी लाइफ तुरंत 12th के बाद शुरू हुई डिफेंस, अब मैंने डिफेंस की ट्रेनिंग की, उसके बाद मैंने जॉब की, तो वहां पे भी मेंटली एंड फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका था। डिफेंस के बाद मैंने शुरू किया अपना बिजनेस। अब बिजनेस फील्ड में आके भी मेरा बिजनेस क्या है कि मैं स्टार्टअप्स को ग्रो करता हूँ, लोगों के बिजनेसेस को ग्रो करता हूँ। वहां पे भी मेरे लिए टेक्निकल और क्रिएटिविटी चाहिए थी कि लोगों को इनहेंस करना है, मुझे दूसरों को अप्रोच करना है। तो जो चीज आपने ये बोली कि 4 साल की ट्रेनिंग, देखो मैं एक चीज बोलूंगा, हर इंसान अपनी लाइफ में इमोशनली एंड फिजिकली बहुत वीक होता है, और स्पेशली इंडियंस, क्योंकि स्कूल्स में वो चीजें नहीं मिलती हैं। तो ये जो आपने बोला कि ये जो 4 ईयर की भर्ती है, 4 ईयर का सिलेक्शन है, मैं अगर चाइना को देखते बोलूं कि वहां पे क्या है, हर सिविलियन एक ट्रेनिंग लेता है डिफेंस की, तो क्या होता है अगर हम तो कहेंगे हमारे यहाँ का हर बच्चा, हर यूथ 4 साल की ट्रेनिंग लेके आए, तो वो लाइफ में इतना स्ट्रांग होगा, मेंटली फिजिकली इतना जबरदस्त होगा कि वो अपनी लाइफ में फिर कुछ भी कर सकता है। और वो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जब वो सिविल में आएगा, वो अगले 4 साल में वो सब अचीव कर पाएगा, शायद वो 40 साल में ना कर पाता। तो ये चीज बहुत बेटर है, बहुत पॉजिटिव, और मैं हमेशा पॉजिटिविटी को ही बारे में ही बोलता हूँ, क्योंकि देखो जहां करेंगे फोकस वहीं से आएगा रिजल्ट, तो निगेटिविटी में बिल्कुल फोकस नहीं करता हूँ। 4 साल की भर्ती बहुत अच्छी है, हर इंडियन यूथ को जाना चाहिए। आप जाओ, ट्रेनिंग लो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, और फिर बाहर सिविल में आके अपने आप को इनहेंस करो अपनी स्किल बेस पे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात कही है सर ने, कि देखिए सिंपल सी बात है कि 4 साल, हमें ये नहीं देखना है कि हमारे पास 4 साल की जॉब है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप 4 साल बाद भी गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी, इवन आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट भी होगा। बिल्कुल, अगर आप चाहे तो यू कैन गो इन बिजनेस ऑल्सो। राइट राइट, तो सारी चीजें आपके लिए कुल मिला के हमें डिफिकल्टी में भी पॉसिबिलिटी देखनी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमने समस्याओं में भी संभावनाएं ढूंढ ली, तो हमारे लिए हर चीज अच्छी है। बिल्कुल, ये चीज हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करती है, और हमें अपने गोल के प्रति और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। यहाँ पे मैं देखो एक चीज बोलूंगा, अगर स्टूडेंट के भी यहाँ पे भी बोलना चाहूंगा, देखो ये कोई सिक्योरिटी नहीं है फर्स्ट टाइम एग्जाम निकल जाए, सेकंड टाइम में निकल जाए, थर्ड टाइम में निकल जाए,
जरूरी नहीं। देखो आप पढ़ रहे हो, मेहनत करो, फर्स्ट टाइम भी निकल सकते हो आप, सेकंड टाइम भी निकल सकते हो, थर्ड टाइम भी निकल सकते हो, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है आपके सामने एग्जांपल्स होंगे, आपके सीनियर जूनियर्स होंगे, सातवीं बार निकले, आठवीं बार निकले, दसवीं बार भी निकलते हैं लोग। तो मेरा सिंपल सा फोकस है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या स्ट्रेटजी है, और कैसे फोकस करो, क्या टारगेट लेके चल रहे हो, वेरी सिंपल अचीव हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं ये चीज आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट 5 सालों में जब से मैंने अपना बिजनेस डाला है, मैंने कम से कम 500 कंपनीज के साथ वर्क किया है, जिनको मैंने जीरो से यहां तक पहुंचाया, उनके टर्नओवर को बढ़ाया, उनकी सोशल आइडेंटिटीज को बढ़ाया, उनके प्रमोशंस किए। तो मुझे पता है कि हमारी स्ट्रेटजी जब सॉलिड होती है, रिजल्ट्स ऑफ कोर्स आते हैं। बिल्कुल, वो सिंपल सी चीज। बिल्कुल, आप एक चीज समझ सकते हैं कि एक नेवी मैन आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। राइट राइट। तो सीधी सी बात है, सिर्फ जो जो भी डिपेंड होता है हमारे करने के ऊपर, हमारी जो इच्छा शक्ति है, जो हमारी कहते हैं ना कि डिजायर, अगर आपकी इच्छा शक्ति अगर अच्छी है, विल पावर अच्छी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप भी विपिन सिंह बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि हम 4 साल बाद क्या करेंगे, आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी होंगी, बहुत सी चीजें होंगी। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। जैसा आपने बताया कि आपने नेवी की जॉब की, फिर बिजनेस में आए, राइट, तो आपको क्या लगता है, जैसे आज डिफेंस के क्षेत्र में आप देखें तो डिफेंस में जॉब करने के बाद लोग और भी जॉब्स करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, तो एक डिफेंस वाले बंदे के लिए और बिजनेस में जाना, क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रगल्स आए? हाँ, मैं इसमें देखो बहुत प्रैक्टिकल चीज बोलूंगा। क्या होता है कि जब हम एक डिफेंस में होते हैं, हम नेवी में हो, आर्मी में हो, जब हम जॉब कर रहे होते हैं, वहां पे क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं, हमारा सिविल से कनेक्शन बहुत कम होता है, और बिजनेस चलता है कनेक्शन से, रिलेशन से। तो मेरे लिए एक छोटा सा चैलेंज था कि जब मैं डिफेंस से सिविल में आया, लोगों से रिलेशन बनाना, दोस्ती बनाना, बिजनेस करना, ये थोड़ा टफ था। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट भी था कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग था, फिजिकली बहुत स्ट्रांग था, दूसरा एक बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने वर्क किया हुआ था, तो आई नो चीजें कैसे रन करनी होती हैं। तो ये मेरे प्लस पॉइंट थे, छोटा सा पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट था मेरी लाइफ में। बट जब मैं सिविल में आया, अच्छे से लोगों से रिलेशंस बनाने शुरू किए, लर्निंग्स की, कोर्सेज किए, पर्सनालिटी डेवलप की, चीज़ों को बेटर किया, फिर वो चीज़ें इजी होती चली गई। और सेम जो आप बोल रहे थे कि कुछ डिफिकल्ट होता है नहीं लाइफ में और समस्याओं में संभावनाएं देखनी है, तो सिंपल सा है कि जब आप पॉजिटिव चीज पे फोकस करोगे तो लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो आपको ना मिले। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहूंगा कि एक मैसेज आप एग्जामपुर के उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखो मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा और बाकी सारे स्टूडेंट्स एक चीज़ बोलना चाहूंगा, मैंने जो पीछे भी बोली एक चीज़, आपकी स्ट्रेटजी सॉलिड हो, और मैंने एक चीज़ बोली कि रिलेशनशिप से दुनिया में सब कुछ चलता है, आपके ये गुरु हैं, आपके ये शिष्य हैं, इनसे आपका एक सॉलिड रिलेशन हो। जब तक आप रिलेशन नहीं लाइफ में बनाओगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो सिंपल सा है, मैं सारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहूंगा कि आपके रिलेशंस अच्छे हों, आप कंटेंट पे फोकस करो, एग्जामपुर जो चीजें दे रहा है आप उनको फॉलो करो, उनको पढ़ो, और अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं निकल के आएंगी। तो मेरा एक ही मैसेज है, स्ट्रेटजी बनाओ, प्रैक्टिस करो, एग्जाम्स फाइट करो, एग्जाम फाइट होने के बाद मैं फिर बोलूंगा लर्निंग कंटिन्यू रखनी, क्योंकि लर्निंग इज द एग्जैक्टली अर्निंग। एब्सोल्युटली, तो वो सिंपल सा बात। मैं कहता भी हूं बच्चों से कि व्हेन यू लर्न देन यू कैन रिमूव एल, राइट, जब आप लर्न करेंगे तभी एल रिमूव कर सकते हैं, यानी अर्निंग शुरू होगी। थैंक यू सो मच सर एग्जामपुर में आने के लिए, और बच्चों के लिए एक ये बहुत बड़ा मैसेज होगा यकीनन। आपने अगर ये 15 मिनट या 20 मिनट जो भी आपके पास आज सर के द्वारा जो भी चीजें बताई गई, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी अपने शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। यही हमारी स्ट्रेटजी है और यही हमारा गोल है। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें और एग्जामपुर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।